कोरोना के चलते बेहद खराब आर्थिक दौर से गुजर रहे रोडवेज को इस वित्तीय वर्ष में 174.22 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष में रोडवेज का घाटा 38 करोड़ रुपए था। अनुमान ये भी है कि अगले माह से रोडवेज के लिए वेतन देना भी मुनासिब नहीं होगा। उस पर पहले ही 4 माह का वेतन लंबित चल रहा है। ऐसे में रोडवेज के पहिए जाम होने की नौबत आ चुकी है। अपर मुख्य सचिव और रोडवेज निदेशक मंडल की अध्यक्ष राधा रतूड़ी ने रोडवेज को बुरे हालात से बाहर निकालने के लिए अधिकारियों को प्लान तैयार करने के आदेश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव रतूड़ी ने आदेश दिए हैं कि जब तक बसों का संचालन नियमित व सुचारू नहीं हो जाता, तब तक रोडवेज आय के नए स्रोत बनाए। बसों के जरिए कुरियर सेवा एवं माल परिवहन शुरू करने के निर्देश दिए गए। रोडवेज की ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसके व्यावसायिक उपयोग के लिए संबंधित जिले के विकास प्राधिकरण व पर्यटन विभाग के साथ योजना बनाने के आदेश दिए गए हैं। आय बढ़ाने के लिए रोडवेज गांधी रोड पर पुराने बस अड्डे व मंडलीय प्रबंधक दफ्तर का जमीन का व्यावसायिक उपयोग करेगा। बोर्ड बैठक में बसों की आय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पहले पर्वतीय मार्गों व मैदानी मार्ग पर बस की अधिकतम आयु 6 वर्ष थी, जिसे पर्वतीय मार्ग पर बढ़ाकर 7 वर्ष और मैदानी मार्ग पर बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। निर्धारित किलोमीटर भी 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किलोमीटर करने का फैसला लिया गया है। संविदा व विशेष श्रेणी चालक परिचालक व तकनीकी कर्मियों का मई का वेतन में की गई आधी कटौती वापस लेने की बैठक में बात नहीं बन सकी।